आसपास के किसान, दुकानदार, कर्मचारी, जो भाई किसान के इस न्याय युद्ध में साथ देने के लिए खटखट टोल प्लाजा पर आया है, सबको हाथ जोड़कर राम राम। हम तो ना भाषण देने वाले हैं, आड़ी और पाली है। हमने पाछड़े नाथने भी आवे, हमने खागड़ा के दाग भी लाने आवे, और धनखड़ जीत के। जब देश में इस सत्ता को कोरोना से लड़ना था तो किसानों से सरकार लड़ रही थी, ये बात हमेशा याद रखी जाएगी। जब चर्चा होनी चाहिए था इंजेक्शन पे, पूरे देश में चर्चा हो रही थी इलेक्शन पे। जब चर्चा होनी चाहिए थी बेड बढ़ाने पे, ऑक्सीजन बढ़ाने की, वेंटिलेटर बढ़ाने की, तब प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी बढ़ा रहा था, शर्म की बात है। जहाँ किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए थी, वहां उसके धन्ना सेठ मित्रों के उद्योग लगातार बढ़ रहे थे, लेकिन हमें समस्या नहीं उनके उद्योग बढ़ने से। अमित शाह के लड़के की नोटबंदी के दौरान आमदनी 16,000 गुना बढ़ी, वो फार्मूला इन किसानों को भी चाहिए जिनसे इनकी आमदनी बढ़े। इनकी आत्महत्याएं तो बढ़ी लेकिन इनकी आमदनी नहीं बढ़ी। आपको बहकाया गया, जब आपने उनसे पूछा आपने काम क्या किया, तो उनका जवाब था कि हमने धारा 370 खत्म कर दी, हमने राम मंदिर बनाया। कौन सी धारा 370? वो धारा 370 जो 70-70 चिल्लाते चिल्लाते 400 पीसी का काम करके गए पूरे देश के अंदर। मिले प्लाट आप लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर, हुई रजिस्ट्री आपकी, हुई किसकी? अंबानी और अडानी की। ड्राई फ्रूट पे जो बादाम, काजू, मेवे, सूखे मेवे, उन पे कब्जा किसका बना? अंबानी और अडानी का। आपको क्या मिला? आपके जो हॉस्पिटल में बेड मिलने चाहिए थे वो भी नहीं मिले। किसान सड़क पर, मजदूर सड़क पर, कर्मचारी सड़क पर, और आज देश में एक नया कारनामा हो गया, मरीज भी सड़क पर। ये पहली बार हो रहा है 70 साल के अंदर। मैं तो कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जिस देश के नेता वतन से ज्यादा चिंता वेतन की करते हो, नेशन से ज्यादा चिंता कमीशन की करते हो, वो आपका भला नहीं कर सकते। लोकसभा के अंदर 300 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने काम धंधे में खेती बाड़ी दिखाया लोगों, खेती बाड़ी 300 सांसद, लेकिन आपकी आवाज उठाने वाला एक भी नहीं है। ये आपको सोचना पड़ेगा। हमारी लड़ाई असली मुद्दों की लड़ाई होनी चाहिए। हमारी लड़ाई शिक्षा की लड़ाई हो, हमारी लड़ाई स्वास्थ्य की हो, आत्म सम्मान की हो, फसलों के मोल भाव की हो, लेकिन हम बहक जाते हैं। कभी राम के नाम पर, कभी रहीम के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी अक्षोत्तर के नाम पर, कभी बिरादरी के नाम पर, हमने कभी मुद्दों को समझ के वोट नहीं दिया। ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, और इस कमी को दूर करो। यहाँ पे सहजा जी भी आई, यहाँ पे दीपेंद्र जी भी आए, यहाँ पे अभय चौटाला जी भी आए, लेकिन हमने फिर भी सवाल नहीं पूछा, सत्ता बदलने से क्या हो जाएगा। हम सत्ता नहीं बदलना चाहते, हम तो इस पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं, पूरे सिस्टम को। आज जो इनेलो के अंदर, आज जो भाजपा के अंदर, कल कांग्रेस के आगे चुनाव लड़ेंगे, कल उनकी सरकार बन जाएगी, आपको क्या मिलेगा? लाठियां, गोली, इनको मानवता याद नहीं आई। पिपली के अंदर इनको मानवता याद नहीं आई, रोहतक के अंदर, और आज किसान बैठा है सड़क पे तो खट्टर साहब कहते हैं कि मानवता के आधार पे उठ जाओ। क्यों उठ जाए? क्या आपका मानव धर्म नहीं है किसानों की समस्याओं को पूरा करे? और मैं तो कहना चाहता हूँ, आपके हौसले की दाद देता हूँ, सबकी लड़ाई अपने अपने कंधों पे लेके लड़ी। जब कर्मचारी चुप था, जब पढ़े लिखे चुप थे, तो मेरे समाज के लोग, हल चलाने वाले लोग सड़कों पे बैठ के उनकी लड़ाई लड़ रहे थे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। जो चौधरी चरण सिंह जी थे, एक बार गाजीपुर के अंदर बोल रहे थे, और उन्होंने कहा मेरी किसान को हम बड़ी भोली है, आज भी पिछड़ी हुई है, आज भी पीछे है,
तो लोग पीछे से उठ के स्टेज की तरफ आगे, कहता मैं कह रहा था ना भोड़ी है ये, इतनी भोड़ी है, मैं इस भोड़ेपन की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा था शैक्षणिक पिछड़ेपन की, राजनीतिक पिछड़ेपन की। आप लोगों को ये बात समझ लेनी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और दूसरा, 1962 के अंदर युद्ध हुआ चीन के साथ, और प्रधानमंत्री नेहरू जी ने आप लोगों से अपील की, पूरे भारत के लोगों से अपील की कि सोना चांदी आभूषण गहने अनाज सब कुछ दान करो देश को जरूरत है। ये मेरी माताएं बहनें पीछे नहीं थी, पूरे देश में से 262 किलो सोना इकट्ठा हुआ, 262, और 262 में से 257 इस पंजाब और हरियाणा का था, पंजाब और हरियाणा का। एक बात और ध्यान रखना, जो ये लोग हमने 1984 में सरदारों को अलग छोड़ दिया था, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ अब ऐसा नहीं होगा, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, आंदोलन लड़ेंगे। आप सबने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबका तहे दिल से एक बार पुनः फिर से आभार, राम राम सबको, हेलो, धन्यवाद।